Welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. आज जो चीजें मैं यूज करने वाली हूँ इनके अलावा यू विल नॉट रिक्वायर एनी अदर मेकअप प्रोडक्ट. अगर आपको नई चीजें ट्राई करना पसंद है या नया मेकअप पसंद है तब आप मेकअप ले सकते हैं. बट अगर आप एक मेकअप किट चाहते हैं, बहुत ही अच्छी मेकअप किट, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एट ऑल. इस किट के अंदर मिड रेंज के सारे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स मैंने सिलेक्ट करे हैं. हर टाइप के किट्स आर अवेलेबल. अगर आप चाहें तो आप एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव मेकअप खरीद सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप सस्ते से सस्ता मेकअप खरीद सकते हैं. इंडियन मार्केट में तो सब कुछ अवेलेबल है. इसके अंदर मैं आपको सारी रिकमेंडेशन देने वाली हूँ, राइट फ्रॉम ब्रशेज कि आपको कितने ब्रशेज चाहिए, कितने मिनिमम ब्रशेज आपकी पूरी मेकअप लुक के लिए इनफ होंगे, एंड क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी किट में डेफिनेटली होना चाहिए. हैक्स मेकअप के अंदर आपकी मेकअप लुक को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं, ठीक है. सो राइट हैक्स यूज करना, राइट ट्रिक्स यूज करना आना चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी आप मेकअप करेंगे आपके बाल पीछे होने चाहिए, आपके नेल्स छोटे होने चाहिए सो दैट आप अपनी आईज में पोक ना करें. सो ये मैंने अपने बालों को यहाँ से इधर क्लिप कर लिया. आप अपने मेकअप को किस चीज से लगाएंगे? ऑब्वियसली ब्रशेज से लगाएंगे. सो इसके अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगी तीन चीजें, ठीक है. तीन चीजें एज इन एक ब्यूटी ब्लेंडर. ब्यूटी ब्लेंडर का काम है आपके फाउंडेशन, आपके क्रीम, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको आपके फेस पे अप्लाई करने का. देयर आर ब्रशेज जो कि 500 के अंदर यू नो यू विल गेट 12 पीसेस ऑफ ब्रशेज, बट अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो उनके जो ब्रिसल्स होते हैं ना, उनके जो ये ब्रिसल्स होते हैं, इनके ब्रिसल्स ये प्लक आउट होते रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी ग्लू बहुत अच्छे से नहीं हुई होती है. तो वो आपके ब्रशेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड से 1-2 महीने या एट मैक्स 6 महीने के अंदर वो सारे के सारे निकल जाएंगे ना. आपकी एप्लीकेशन बहुत ही पैची हो जाएगी. मिनीसो के ब्रशेज आप ले सकते हैं, 200 रुपीज के ये ब्रशेज हैं, बट इनकी क्वालिटी इज अमेजिंग. ये वाला ब्रश सेट आप स्पेसिफिकली अपनी आईज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आप ब्यूटी ब्लेंडर से अपनी आई मेकअप नहीं कर सकते. मैं अपना पूरा आई मेकअप इस ब्रश सेट के साथ करके आपको दिखा सकती हूँ. अभी तक आपने 200+150 रुपीज खर्च करे अपनी आई मेकअप ब्रशेस पे. अब आपको एप्लीकेशन के लिए एक पाउडर ब्रश की जरूरत है. पाउडर आपके क्रीम प्रोडक्ट्स को सेट करने के लिए यूज किया जाता है. तो आप क्रीम के ऊपर क्रीम यूज करते हैं, पाउडर के ऊपर पाउडर यूज करते हैं. मिनीसो के अंदर ही आपको ये वाला ब्रश भी मिल जाएगा, ठीक है. ये वाला पर्टिकुलरली मैंने पैक से लिया है, आई थिंक 400-500 रुपीज का है ये ब्रश. बहुत ही अच्छा है, मेरे को 1.5-2 साल हो गए इसे यूज करते हुए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई. आप पैसे अगर खर्च कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पे ही आपको पैसे खर्च करने चाहिए, एंड ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट है. तो अगर आप चाहें तो आप पैक का 134 ब्रश ले सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग ब्रश है. ब्लश एप्लीकेशन, पाउडर एप्लीकेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग है. अगर आपको ब्रश के अंदर भी वैरायटी रखनी है अपने पास तो आप सेम सेट मिनीसो से ले सकते हैं फेस के ब्रशेस. सो वो आई थिंक कुछ 300 रुपीज के होंगे एट मैक्स. मेकअप स्टार्ट करने के लिए आपको बेस एप्लीकेशन के लिए आपका मॉइस्चराइजर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज करिए जो कि नॉन ऑयली हो. आजकल समर्स के अंदर तो वैसे भी आपकी स्किन बहुत ऑयली हो जाएगी या स्वेटी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ जो कि बहुत ही थिक नहीं हो. जेल बेस्ड कुछ आप यूज कर सकते हैं तो आप जेल बेस्ड यूज करिए. तो कमिंग टू द अंडरटोन, हम लोगों के 3 टाइप के बेसिक अंडरटोन होते हैं, कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन. मैक्सिमम इंडियन अंडरटोन जो है वो वार्म अंडरटोन के होते हैं. Now that I've prepped my skin properly, तो अब मैं अपनी बेस एप्लीकेशन की बात करती हूँ. आई डो नॉट लाइक प्राइमर्स स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे अपने मेकअप में लेयर्स एड करना बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरे मेकअप पे जितना लेयर होगा वो उतना ही स्किन लाइक फिनिश से आपको दूर लेके जाएगा. सीधा सीधा मैं स्टार्ट करूंगी अपने फाउंडेशन के साथ. I'm gonna use Mama Earth की foundation. So ये है Mama Earth की glow serum foundation with vitamin C and turmeric. ये foundation देगी आपको up to 12 hours long stay. Talking about the shade range, तो ये 7 shades में available है. ये foundations clinically tested है to suit all Indian skin type and also toxins free made safe product है. मैंने लिया है shade number 1 ivory glow के अंदर, ठीक है, एंड मैंने लिया है क्रीम ग्लो के अंदर. नाउ अगर मैं इन दोनों फाउंडेशन की बात करूं तो आपको अपना बेस मैच करना है. क्लीन मेकअप के अंदर आपका फाउंडेशन बहुत ही स्किन लाइक लगना चाहिए, तो उसकी कवरेज लो टू मीडियम कवरेज अगर होगी तो बहुत ही अच्छा होगा. मेरे पास ये स्लेट है, आप स्लेट ले सकते हैं. ये 150 रुपीज की आपको अमेजोन पे मिल जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है. शेड ये रहा नंबर 1 एंड ये रहा नंबर 2 शेड. ये लाइट है मेरे लिए. एंड अगर मैं नंबर 2 की बात करूँ, थोड़ा सा ये लाइट लग रहा है स्क्रीन पे, ठीक है. लेट मी सी,
हम नंबर 2 फाउंडेशन यूज करेंगे मामाअर्थ की। बेस मैच ऐसे होता है कि आप अपने इधर लगा के देखेंगे, अपने चिन एरिया पे देखेंगे और उसको लाइटली देखेंगे। जैसे ये देखा आपने तो इसको मैं ब्लेंड करने की भी कोशिश करूंगी तो ये मेरी स्किन पे बहुत ही डिफरेंट लगेगा बिकॉज ये मेरी स्किन टोन के लिए नहीं है। तो अगर आप यहाँ लगा के देखेंगे और आपके बेस के साथ मैच कर जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो आप इन दोनों को, जो भी शेड आपके क्लोजेस्ट है, उनको मिक्स एंड मैच करके अपने स्किन टोन का बना सकते हैं। तो मैं यूज करने वाली हूँ क्रीम ग्लो नंबर 2 शेड के अंदर। जब आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज करेंगे तो उसको वेट करेंगे, बिना वेट करे आप ब्यूटी ब्लेंडर को यूज नहीं करेंगे। सो वी आर गोना गो अहेड नाउ एंड स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। यू गाइस कैन सी देयर इज रेडनेस हियर, तो मैं इधर यूज करूंगी। स्पेशली फॉर समर्स आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी फाउंडेशन यूज करें जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल हो। आई ऑलवेज प्रेफर फाउंडेशन जो कि बहुत ही स्किन लाइक हो। एंड क्लीन मेकअप के अंदर एवरी डे बेसिस पे आप कुछ हैवी लगाएंगे अपनी स्किन पे तो आई डोंट थिंक इट विल डेफिनेटली टेक अ टोल ऑन द स्किन। नाउ अपनी स्माइल लाइंस पे इसको डैब करना, ठीक है। अगर आप चाहे तो आप स्टिपलिंग मोशन में भी लगा सकते हैं। लाइक आई सेड, क्रीम के ऊपर आप ऑलवेज क्रीम लगाएंगे तो नाउ यू कैन गो इन विद योर कॉन्टोर। कॉन्टोरिंग के लिए नथिंग इज बेटर देन दिस। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड क्वालिटी मेकअप किट विच इज अंडर अ बजट, please take these products. This contour is so freaking creamy and it blends into your skin so easy. अगर आपकी double chin है तो आपने यहाँ पे एक V बना के इसको भी blend कर सकते हैं, ठीक है। I don't know why but I always prefer using cream products over powder products. That is my personal preference. Although मेरी skin oily है तब भी मैं prefer करती हूँ cream products use करना। Okay, now that our contour is also done, almost done, ये इतना अच्छे से skin में blend हो गया है कि आई डोंट थिंक आई नीड टू यूज़ एनी थिंग एल्स नाउ। आई एम गोना गो टू क्रीम ब्लश नाउ, बट दिस इज अगेन अ न्यू लॉन्च, ठीक है। सो आई एम गोना यूज दिस। बार बार हाथ के पीछे स्वॉच लेने की जरूरत नहीं है इफ़ यू हैव अ स्लेट। सो हाँ, आप थोड़ा सा प्रोडक्ट ले सकते हैं विदाउट वेस्टिंग इट ऑफकोर्स। ये कोरल कलर है, सो कोरल कलर जनरली विल गो ऑन वॉर्म स्किन टोन्स, बट ये मेरी स्किन टोन के साथ बहुत ही अच्छे से गया। सो या मतलब कि मैं लूंगी थोड़ा सा, ठीक है। क्लीन मेकअप के अंदर योर स्किन, इट शुड लुक लाइक योर स्किन ओनली, तो इसलिए अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। सो आई एम ब्लेंडिंग इट। हमें ड्रूपी चीक्स नहीं चाहिए हैं, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट, जितना ऊपर करोगे उतना स्नैच्ड लगेगा। यू गाइस कैन सी कि मैंने कितना कितना प्रोडक्ट लगाया तब भी जाके मेरी स्किन पे ऐसा कुछ अननेचुरल सा नहीं लग रहा। मेरे पास बहुत प्रोडक्ट्स हैं बट मैंने ये सारे के सारे हैंड पिक करे हैं प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली फॉर दिस वीडियो। नाउ मैं यूज करूंगी कंसीलर। नाउ सबके डार्क सर्कल्स होते हैं, आजकल मेरे भी हो गए हैं, तो फॉर माय कंसीलर आई एम यूजिंग के ब्यूटी। हम लेंगे इसको एंड यूज कर लेंगे अंडर आई एरिया पे, ठीक है। अंडर आई एरिया पे कर लेंगे, थोड़ा सा नोज पे कर लेंगे, थोड़ा क्यूपिड्स बो पे कर लेंगे, थोड़ा सा स्माइल लाइंस पे कर लेंगे, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। आई एम डन विद माय क्रीम प्रोडक्ट्स, तो अब मैं इसको फिट मी पाउडर यूज करूंगी एंड सेट द एंटायर थिंग। दिस पाउडर इज बीन कंपेयर्ड एंड हैज बीन कंपेयर्ड टू द बेस्ट ऑफ पाउडर्स, लाइक लॉरा मर्सियर से भी इसको कंपेयर करा है लोगों ने। थोड़ी बेकिंग करूंगी, सो मैंने गीले ब्यूटी ब्लेंडर को ही ले लिया है, ठीक है। एंड उससे मैं थोड़ा बेकिंग कर लूंगी यार। यहाँ पे मैं इसलिए इसको यूज कर रही हूँ और मैं इसको अभी बेक कर रही हूँ बिकॉज अभी मैं आई शेडो लगाने वाली हूँ एंड आई शेडो में अगर फॉल आउट होगा तो वो सारा फॉल आउट यहाँ गिरेगा और उसके बाद पाउडर से हटा के इसको डस्ट ऑफ कर दूंगी। कमिंग टू दी आई मेकअप, अब अगर आप चाहें तो अपने आईलिड एरिया पे आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं बिकॉज ये बहुत ही नेचुरल लगेगा, बट अगर आप नहीं चाहते क्लीन लुक तब भी चाहिए आपको तो आप फाउंडेशन को यूज़ करें, कंसीलर को यूज़ मत करें, ठीक है। तो हमने जो फाउंडेशन यूज़ करी है हम उसी फाउंडेशन को यूज़ करेंगे हमारे आईलिड एरिया पे और उसको सेट करेंगे वाया दिस। आई शेडो का कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा आ जाएगा और आपको बहुत ही थिकनेस भी नहीं लगेगी अपने आईलिड एरिया पे। ट्राई करना कि जैसे ही फाउंडेशन लगाओ या जैसे ही कंसीलर लगाओ इमीडिएटली विदाउट क्रिएटिंग एनी क्रीसेस आप उसको सेट कर लो, ठीक है, वरना लाइंस क्रिएट हो जाएंगी
एंड उससे आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ज्यादा ही अजीब लगेगा। तो आई शेडो के लिए आपको बहुत बड़ी किट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट स्टिक टू सिंपल किट्स। जैसे मैंने ये न्यूट्रल्स का पैलेट लिया है, दिस इज मोर देन इनफ। बट अगर आप चाहें क्वाड पैलेट्स और भी आती हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। नाउ क्रीज पे आप हमेशा डार्कर शेड यूज करेंगे, डार्केस्ट टू द लाइटेस्ट आप अंदर आते हैं। सो इनर कॉर्नर्स लाइटेस्ट होना चाहिए एंड आउटर कॉर्नर आपका डार्केस्ट होना चाहिए, दीज टू कलर्स। एंड मैं अपनी क्रीज को करूंगी डिफाइन। सो क्रीज ये रही मेरी, ये रही मेरी क्रीज। आई एम जस्ट गोना गो इन लाइक सो। दिस इज अ रियली क्लोज कलर टू योर स्किन, तो मैं इस कलर को लेके पूरी आईलिड पे नीचे लगा लूंगी, ठीक है। Now I'm gonna go in with kajal. So I'm gonna use this kajal because this is smudge proof. अपनी आईज के लिए नॉन टॉक्सिन वाला ही कुछ ले, बिकॉज यू आर पुटिंग इट इन योर आई एंड आईज आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। सो मैं मामा अर्थ की ही काजल को यूज कर रही हूँ। इसमें टॉक्सिन नहीं है, वाइटामिन सी है, कैमोमील एक्सट्रैक्ट है एंड सबसे अच्छी चीज ये एकदम हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ठीक है। दिस विल नॉट बज। सो आई एम जस्ट गोना यूज इट इन साइड बिकॉज इससे आपकी लैशेज बहुत ही थिकर लगती हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी लैशेज फॉर टूडेज लुक बिकॉज लाइक आई सेड हम इसे डेली वेयर के लिए यूज कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली लैशेज हम डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते। सो या आई मीन दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोना लाइन माई आईज। ये भी बहुत ही क्रीमी फॉर्मूला है, दैट इज व्हाई आई रियली लाइक दिस काजल। मतलब You're gonna stick to the lash line जितना closest हो सकता है उतना। Like waterline पे भी काजल लगाऊंगी, so आप चाहें तो आप बहुत ही thin layer रख सकते हैं। See इसका color कितना dark है, कितना amazing है। Now eyebrows के लिए आप अपने eyeshadow palette के अंदर darkest brown या grey color ढूंढेंगे, ठीक है। इस in this case ये है, but ये मेरे लिए थोड़ा light है तो मैं eyebrow pencil use कर रही हूँ। You guys can choose between a pencil. अगर आप किट बना रहे हो वैसे तो आप पेंसिल रख ही लीजिए। तो ये एल्फ की बहुत ही अमेजिंग 350 रुपीज की आती है पेंसिल। But I'm just gonna do my brows. So scars areas, जो भी bald areas हैं उधर आप फिल कर सकते हैं। हमने हाईलाइट नहीं करा है, हाईलाइट इज इम्पॉर्टेंट। बट क्योंकि हम क्लीन मेकअप लुक कर रहे हैं, एवरी डे मेकअप लुक कर रहे हैं, तो वी विल नॉट गो ओवर बोर्ड। बट यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस हाईलाइटर। फ्लफी सा ही है ये ब्रश, ठीक है। एंड लुक एट दैट, दिस इज गोना गो हियर। OMG, सी दैट इज व्हाई लाइक दिस हाइलाइटर सो मच। ये पिंक, रेड एंड न्यूड लिपस्टिक्स आपकी किट पे होने चाहिए। आई एम गोना यूज दिस इन द शेड एक्सप्रेसो ब्राउन। सच एन ऑसम शेड गाइज, इतना अमेजिंग शेड है ये। लाइक आई एब्सोल्यूटली लव द शेड, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना गो इन, जस्ट गोना गो इन विद द सेम ब्लश एक बार फिर से ऑन हियर जस्ट टू एड अ लिटिल कलर। पाउडर आई एम जस्ट गोना गेट रिड ऑफ द पाउडर, यूज दिस वन फ्रॉम प्लम। गेट द ब्रिसल्स, लैशेस बहुत ज़्यादा लंबी एंड बहुत वॉल्यूमिनस लगती हैं। बेसिक मेकअप से बहुत ही अच्छी लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं एंड बहुत ही अच्छे पॉकेट फ्रेंडली रेंज के अंदर। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आज के वीडियो में यूज करे हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बार के अंदर लिंक्ड हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू डिड देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।